मतलब सोचिए मैंने पान लिखा, पान लिखा ने बोला कि इन्होंने कैंसर दिखा दिया। सब खा लिया हमारा भोजन। तू पापा अभी पापा को खाना ही नहीं मिला बोलने लग जागने के फिर महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए बहुत दिनों बाद जो है ब्लॉग बना रहे हैं। काफी दिनों से आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा भी थोड़ा व्यस्तता चल रहा था और घर परिवार में शादी का माहौल है तो उसकी वजह से जो है मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियो दूं, चाहे आप हमारे घर में शादी घरेलू वीडियो देखें, हंसी मजाक कई तरह के जो है आप वीडियो को देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी वीडियो शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो की शुरुआत ही आपको शिकायत से होने वाली है क्योंकि देखिए हमारी यहाँ भाभी जी आई हुई हैं। सी इज फ्रॉम यूएससी एंड सी लैंडेड इन इंडिया और उनके बहुत सारे जो है हमसे शिकायत हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं कि इनकी क्या क्या शिकायतें हैं। जी भाभी जी क्या कहना चाहेंगे आज आप हमारे बारे में? आपको पता है कि इधर को क्या कहना चाहिए था? अच्छा जी भूल गए। भूल गई क्या? भूल गई भूल गए वीडियो आते ही भूल गए। ऐसा कह सकते देखिए भाभी जी का बहुत सारा शौक था कि हमारे देवर जी जो है बनारस में रहते हैं और जब मैं बनारस जाऊंगी तो देवर जी जो है हमको मीठा पान खिलाएंगे, मीठा पान और क्या चाट खिलाएंगे, फुलके खिलाएंगे। एक सेकंड, आपकी इमेज कहीं कुछ मेरे मतलब कुछ अलग सी बनी थी, वो इमेज गिर गई। गिर गई कैसी? क्या इमेज बनी? कुछ भी नहीं किया बनारस में आकर के, कुछ नहीं किया मेरे लिए, कुछ भी नहीं किया। क्या आप सोच के रखी थी देवर जी? आपने क्या आपने बनारस को एक्सप्लोर ही नहीं किया है? एक्सप्लोर ही नहीं किया भैया का भी जो है कमेंट को नोट किया था कि भाभी आप आइए आपको एक से एक साड़ी की दुकान पे ले जाएंगे, एक से चीजें आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको। आते ही भैया कौन भाभी कौन भैया बस भूल गए भूल गए। क्या कमी आप? बस आपका काम है भाभी किचन में रहिए। चाय क्यों नहीं पूछा आपने? आपने मेरे लिए खाना क्यों नहीं किया? आपने मेरे लिए पानी तक नहीं पूछा? बस यही रहा भाभी, बस हो गई भाभी। वो तो बताइए जब यूएस में आप थी तो बोलता था कि आप आइए बनारस आपको घुमाएंगे। और अभी जब मैं एंट्री की थी इस घर में तो इन्होंने कहा था यार डालेगा मत अपलोड, इन्होंने कहा था भाभी आप आ गई है मेरे तीन चार दोस्त आएंगे आपका वीडियो लेंगे शूट करेंगे। दोस्त तो लेना है इतने बड़े प्लेटफॉर्म ब्यूटी आप बनारस पे आप जा रही है, गाना गवाएंगे आपसे तो देखिएगा आप रेडी रहिएगा। तो रेडी गाना गाने के लिए रेडी तो अभी भी आप है। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है जब भाभी तो दिल्ली के पॉल्यूशन से आवाज ही बैठ गया था। एक्चुअली ये जब आई थी वहां से तो वो सोची कि मेरा कोयल की तरह आवाज है तो मैं जब इंडिया जाऊंगी तो मैं थोड़ा सा गाऊंगी, पर यहाँ जब आई तो थोड़ा सा कर्कश हो गया, मतलब इंडिया और थोड़ा यूएसए का पानी में अभी भी है। तो जनता जनार्दन जो है अगर आप कुछ गा के सुनाना चाहें आप तो सुना सकती हैं। हमारे लिए ना सही क्योंकि मैं भाई वैसा खुश नहीं खुशी नहीं कर पाया, मतलब देवर में जब भर देव नहीं बेकार पान उसको खिलाए होते अभी पान खिलाए होते तो आवाज अच्छी निकली होती। अच्छा तो मतलब मैंने पान लिखा पान लिखाने को बोला कि इन्होंने कैंसर दिखा दिया। पार्लर पूछा ही नहीं, पार्लर ले गई ना पान का। ये देखिए पान खिलाने को बोला कि पान खिलाइए तो इन्होंने तुरंत वीडियो दिखाया कि इस खाने से पान खाने से कैंसर हो जाता है। खुद खा के खाता है क्या? वेरी बिजी, आई हैव सम बिजी वर्ड्स, डोंट कॉल मी अननेसेसरी। मैं चाहता हूँ कि आप एक छुटा लें, मैं क्या चाहता हूँ जनता चाहती है, मेरे चाहने से क्या होता है उसकी भी आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। ठीक है वो जनता चाहती है गाना गाओ, लेकिन उससे पहले वो वीडियो वो कर डिलीट कर दी और फिर नए तरीके से नहीं उसी नहीं, में नहीं, 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 वीडियो को थोड़ा सा फनी बनाना है भाभी जी आप बात नहीं 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 अभी लोकल भाभी ये ओरिजिनल है, ये भाई ओरिजिनल है।
हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक समस्या कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं भाभी जी जो है बैठी हैं, ससुर जी बगल से कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं कहा, ठीक आ जाइए, सब खा लिया हमारा भोजन। अल्लाह पापा पापा को खाना ही नहीं मिला, बोल नहीं तू खाई भाभी। ये हमारे घर के सब भोजन कर लिया पिताजी, भूखे हैं पिता जाग कर रहे हैं, हमारा भोजन दीदी कह रही तू खाई बा। ये काफी ज्यादा हंसनुमा माहौल आपको देखने को जो है मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग क्या आज हम बात करने वाले हैं, भाभी जी ने कहा कि वो काफी ज्यादा अच्छा गाती हैं और हमने भी सुना भी है काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे गाया करती थी। फिर मैंने कहा कि चलिए मैं आपको बनारस की जनता से आपको मिलवाने का प्रयास करता हूँ और बनारस की जनता को भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कोयल इंटरनेशनल कंट्री से आके भारत में, वो भी बनारस आपके शहर में आई हुई है और इनको जो है गाना गवाते हैं। चलिए भाभी जी आप उससे निवेदन करता हूँ कोई एक बढ़िया सा गाना जो आपको लगता है कि बहुत ही आपको पसंदीदा हो, जरा गा के हमारी ऑडियंस को सुनाएगा, टेस्ट करें। ऐसी आवाज तो काफी बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गाती हूँ थोड़ा सा। भैया कह रहे हैं बहुत हैरान है, भैया कह रहे हैं बहुत हैरान है हम। दोस्तों गाना ये गाती है लेकिन गाना सजेस्ट ये कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है भाई, ये सब म्यूजिक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, गिलास कटोरी गिरना जो है म्यूजिक आपके रहेगा। हाँ जी कैमरा मैन भी थोड़ा हंस रहा है, कट कर दीजिएगा, हाँ कट कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। लग जागने के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जागने चुनिंदा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये घर के मसाले आपको सिर्फ यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव।